देखे या दो हिस्सों में तोड़े, तो हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, और ये यूज होता है एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, ही और शी की रिप्लेसमेंट में हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो हु इज द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, मैट्रिक का स्टूडेंट कौन है, तो अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो मैं क्या कहूंगा, ही इज द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, तो ही शी की रिप्लेसमेंट में एक्चुअली ये यूज होता है। अब हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, अगर हम नाम लेना चाहें तो नाम भी अगर आप लोगे तो वो भी तो थर्ड पर्सन ही है ना, यानी अली इज द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, एडम इज द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, तुम कुछ भी बोलो, ठीक है, बात एक ही है, हु जो होता है वो इन्हीं की रिप्लेसमेंट में यूज होता है। और अगर सेकंड में हम देखें ऊपर, तो हमने चलो स्टेट वाइज देखा कि वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, ये एक स्टेट है, एक कंडीशन है। अगर हम इसको एक्शन वाइज देखें तो नीचे क्या लिखा हुआ है, हु इज प्लेइंग हॉकी, यानी कि कौन हॉकी खेल रहा है, यहाँ पे एक्शन वर्ब मौजूद है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं और ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। नंबर थर्ड जो है, नहीं सॉरी, नंबर फोर्थ जो है हमारे पास पॉइंट, आखिरी पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा हाँ, एक और बात ये कि जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ क्वेश्चनिंग सेंस में लो, क्योंकि हम डब्ल्यू एच वर्ड्स को समझ रहे हैं तो इसकी बात सिर्फ डब्ल्यू एच से होगी, ठीक है, अब वो क्वेश्चनिंग भी हो सकती है और नॉन क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। अगर हम जल्दी से इसकी एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, दैट्स द मैन हु किल्ड एडम, ये वो शख्स है जिसने एडम को मारा है। यहाँ पे मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, यहाँ पे मेरा कोई क्वेश्चनिंग सेंस मौजूद नहीं है, मैंने डायरेक्टली एक इंडिकेट किया है शख्स को जिसने एडम को मारा है, ठीक है, तो क्वेश्चनिंग सेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डब्ल्यू एच वर्ड्स।